वाला दिन बुजुर्ग खुद ही दुश्मन हो जाएंगे अपने फॉलोअर्स के। उसमें मैंने ये बताया कि आयत नंबर 41 जो है ना सूरह निसा की, उसमें आता है कि वो वक्त कैसा होगा कि ऐ नबी अलैहिस्सलाम, जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को उठाएंगे और आपको गवाह उठाएंगे अपनी उम्मत के खिलाफ। हर उम्मत में से एक गवाह कौन होगा? उस नबी का, उस उम्मत का नबी, और आपको आपकी उम्मत के खिलाफ उठाएंगे लीडरशिप के तौर पर। बुखारी मुस्लिम में इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में हदीस है कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्लाह कुरान सुनाओ। उसने कहा, या रसूलल्लाह कुरान तो आप पे नाजिल हुआ है, मैं सुनाऊं कुरान? आप फरमाया, अब्दुल्लाह मुझे दूसरों से सुन के लुत्फ आता है। तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं, मैंने सूरह निसा की तिलावत शुरू की और तिलावत करते 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 जब मैं इन आयात के ऊपर पहुंचा, सूरह निसा की आयत नंबर 41 के ऊपर, आप जरा इमेजिन करें ना, जिन हस्ती पे ये आयत नाजल हुई है उनके लिए कितने बड़ा इम्तिहान है। उम्मत तो कह रही है कि जी जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, और महबूब को इस एतबार से कितनी फिक्र है उम्मत की कि इनको पता ही नहीं है कि मैंने तो शिकायत लगानी पड़ जानी है। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 30 है, वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआना महजूरा। नबी अलैहिस्सलाम क़यामत अल दिन शिकायत करेंगे, अल्लाह मेरी कौम मेरी उम्मत ने कुरान को पीछे फेंक दिया था। और नबी अलैहिस्सलाम को इस बात की खुद टेंशन थी कि मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ दुआ गवाही देनी पड़ेगी, लेकिन उम्मत कहती है, अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, तकी जाएगी, पता चल जाएगा, पता नहीं चलेगा, लग पता जाएगा। ये आयत सूरह निसा की आयत नंबर 41, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद। वो कैसा वक्त होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को, एक इमाम को खड़ा करेंगे। व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। और ऐ नबी अलैहिस्सलाम, आपको गवाह के तौर पर खड़ा करेंगे इन मुशरकीन अरब और आपके मुखालफीन के खिलाफ। तो जब इस आयत पे पहुंचे तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, बस अब्दुल्लाह बस बस करो। तो कहते हैं, मैंने निगाह उठा के देखा तो नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो चुकी थी कि मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी क़यामत वाले दिन।